दीपिका खान सवार बाप बेटे को मारी गोली, पिता की मौत, बेटा घायल। राजधानी में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। अपराधी बेखौफ होकर संगीन घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से सटे फतुहा थाना क्षेत्र के फतुहा दनियावा रोड NH30A के धूप पुल के पास का है, जहां अपराधियों ने पिकअप वाहन को ओवरटेक कर चालक पिता और खलासी पुत्र को गोली मार दी, जिसके बाद पिकअप वाहन चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं खलासी के रूप में उसके पुत्र के पैर में गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए फतुहा अस्पताल भेजा, जहां गंभीर स्थिति देखते हुए PMCH रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक की पहचान खुशरूपुर थाना क्षेत्र के खिरोदपुर निवासी 40 वर्षीय उदय कुमार के रूप में किया है। वहीं घायल खलासी की पहचान 15 वर्षीय गौतम कुमार के रूप में किया, जो मृतक उदय का बड़ा बेटा है। बताया जाता है कि पिकअप वाहन के चालक और खलासी दोनों पिता और पुत्र माल लोड कर कहीं भी जाते थे। बीती रात को फतुहा के दोष मोहम्मदपुर इलाका स्थित प्लांट से थर्मोकोल का थाली और कटोरी लोड कर फतुहा दनियावा NH30 के रास्ते सासाराम जा रहे थे। फतुहा थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि घटना लगभग रात्रि 2 बजे की है। सुबह हम लोग को सूचना मिली। उन्होंने बताया कि पिकअप वाहन में खून गिरा था, जबकि शव वाहन से कुछ दूरी पर जमीन पर गिरा था। उन्होंने बताया कि कयास लगाया जा रहा है कि वाहन ओवरटेक कर गोली मारी गई है, जिससे चालक भागने का प्रयास किया। भागदौड़ में भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। थानाध्यक्ष का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रथम दृष्टि में घटना के पीछे लूटपाट का कारण नहीं दिख रहा है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है, साथ ही हत्या का कारण और हत्यारे की तलाश में जुट गई है। गौतम कुमार को गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस उनको मार कर रही है। इस न्यूज़ के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।